हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू रितु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं एचटेट की इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो एचटेट के एज वी ऑल नो की फॉर्म्स जो हैं वो निकल गए हैं, और जो डेट है आपकी 15 से लेके 25 नवंबर तक, मतलब कल से आपके फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो गए हैं कैंडिडेट्स। तो उसकी फ़ीस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एससी और पीएच कैंडिडेट्स जो हैं जिनका हरियाणा डोमिसाइल है उनके लिए 11-1 के लिए 500, लेवल 2 के लिए 900 एंड लेवल 3 के लिए 1200। कोई भी कैंडिडेट जो एससी या पीएच कैटेगरी का नहीं है बट हरियाणा डोमिसाइल है उसके लिए लेवल 1 के लिए 1000, 2 के लिए 1800 और 3 के लिए 2400 रुपीज़ फीस है। और कैंडिडेट जो हरियाणा से बाहर हैं, वो चाहे एससी है, पीएच है, जनरल है, कोई भी कैटेगरी है, लेवल 1 के लिए 1000, लेवल 2 के लिए 1800 और लेवल 3 के लिए 2400 उसकी फ़ीस रहेगी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम जो है वो 15 को स्टार्ट हुआ है और लास्ट डे से 25, और अगर करेक्शन कोई भी करनी है तो वो 26 से लेके 28 तक आप कर सकते हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि भरने से पहले सबसे पहले सारी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस हमें पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपकी कोई मिस्टेक रह गई है तो लेवल, कास्ट और होम स्टेट ये चेंजेस नहीं होंगे, बाकी आप कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, मतलब फोटो सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सब कुछ चेंज हो सकता है। और एडमिट कार्ड जो है आपका वो 8 दिसंबर के बाद बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड किसी का भी पोस्ट के थ्रू सेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सारी जो एचटेट की का एग्ज़ाम है वो लेवल 1 2 3 तीनों के लिए निकला हुआ है। तो हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बात कर लेते हैं कि बेसिकली उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसको क्या चाहिए, तो वो देख लेते हैं एक बार। आ गया आपका पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स म्यूजिक फाइन आर्ट्स, ये कंप्यूटर साइंस आ गया। इसमें क्या चाहिए, एमएससी हो आपका या कंप्यूटर साइंस से, और रेगुलर 2 ईयर का कोर्स हो, एमसीए हो वो भी रेगुलर 3 ईयर का कोर्स हो, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी का रेगुलर कोर्स हो विद 55% एग्रीगेट मार्क्स, मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए या फिर 10+2 में होनी चाहिए या बीए एमए, तो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए और कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये सारे रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद आया आपका आपका उसके बाद आता है कि हाँ, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम कितना रहेगा, 2.5 2.5 आवर्स, मतलब 150 मिनट्स का रहेगा क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं। और स्कीम और स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है, 30 MCQ होते हैं 30 मार्क्स के, हिंदी लैंग्वेज आएगी 15 मार्क्स की 15 क्वेश्चन, इंग्लिश आएगी 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन। फिर जनरल स्टडीज़ में आते हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 मार्क्स की 10 क्वेश्चन, और हरियाणा जी कैन अवेयरनेस वो भी 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। ओके, उसके बाद हम अगर कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे थे तो इसमें पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो होता है वो आता है आपका 60 मार्क्स का, और ये लेवल 1 है तो मैथमेटिक्स आएगा 30 मार्क्स का और ईवीएस आएगा आपका 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस, ठीक है। और टीजीटी और पीजीटी में पैटर्न सेम रहेगा बट मैथ्स और ईवीएस की जगह हमारा पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट से लाइक अगर हम कंप्यूटर साइंस से दे रहे थे या कंप्यूटर साइंस आ जाएगा 60 MCQ 60 मार्क्स के। तो ये आता है टीजीटी और पीजीटी का स्कीम एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद क्वालिफाई जो होता है 60% मार्क्स पे क्वालिफाई हो जाता है जो कि आपके 150 में से 90 मार्क्स बनते हैं, और 55% फॉर एससी और पीएच कैंडिडेट्स जो 82 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है स्टेट में कोई भी। फिर 18th और 19th को आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तीनों कैटेगरीज के लिए, और टाइमिंग्स जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगी, ड्यूरेशन जो होगा 150 मिनट्स का होगा आपका, ठीक है। एचटेट की वैलिडिटी के बारे में बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि क्लियरली द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एचटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी 7 ईयर्स फ्रॉम द इशुएंस डेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर ऑल लेवल्स, मतलब सिर्फ 7 ईयर्स के लिए ही वो वैलिड रहेगा। अभी जो न्यूज़ आई थी कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड है तो वो ऐसा कब अभी नहीं हुआ है, तो हम ये मान के चलें कि हमारा 7 ईयर्स ही उसका वैलिडिटी पीरियड है, ठीक है। तो ये था आपका आज की वीडियो में, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।